आइए तो आज आपको बताते हैं कि पनीर तवा पुलाव तवे पर कैसे बनाते हैं, मतलब आप अपने घर के तवे पर बनाइएगा। सबसे पहले तो डालिए मक्खन, मक्खन डालने में कंजूसी मत करिएगा तभी तो मेहमान वाहवाही करेंगे। और ये जा रहा है कश्मीरी रेड चिली पेस्ट। जी हाँ, कश्मीरी रेड चिली पेस्ट जो कि लाल रंग दे देता है लेकिन तीखा कम देता है। और इसके साथ में जा रहा है इसमें चॉप्ड ऑनियन और फिर टमाटर और शिमला मिर्च का ये जो पेस्ट डाला, उसके बाद धनिया छिड़क डाला, जो मसाला डाला वो है पाव भाजी मसाला, उसके बाद नमक डाला और इसे शिक 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 मिक्स कर डाला। तवा पुलाव आप बना सकते हैं लेफ्ट ओवर राइस से, क्योंकि कई बार ऐसा ही हो जाता है, इनफैक्ट हर बार ऐसे ही हो जाता है कि हम राइस ज़्यादा उबाल लेते हैं और फिर अगर आपने उसी राइस को चिड़िया को या कौवे को नहीं डाला तो आप इसमें डाल दीजिए, लेफ्ट ओवर राइस से बना लीजिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, सब सोचना पड़ता है। एनीवेज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं या फिर पैन एशियन पनीर डाल दीजिए, मेरा मतलब है टोफू 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 लाया लाया लाया। तो तवा पुलाव ऐसा बनाओ कि मेहमानों को बुलाओ और उन्हें भी खिलाओ, क्योंकि बहुत ही फटाफट बन जाता है। और ये तवा पुलाव नहीं है, ये है पनीर तवा पुलाव विद मटर एंड यस ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ द बासमती राइस, बट अगर आपने अगर एक्स्ट्रा राइस उबाल लिया है तो लेफ्ट ओवर राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हमारा देसी फ्राइड राइस मसाला मार के, दिस इज़ द तवा पुलाव। सो इट्स ईजी टू मेक एंड आपको एक चीज़ करना होगा, ऐसे और बहुत सारे वीडियोज़ मैं भी मेक करना चाहता हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल का टेक केयर करिएगा। रेस्टोरेंट में कहाँ जाएंगे आप, घर पे रेस्टोरेंट बना दिया है मैंने, आपके घर पे रेस्टोरेंट बना दिया है। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और ये क्या फटाका जल रहा है? नहीं, ये सिजलर बन रहा है और सिजलर के अंदर ये जो सॉस गया, अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो फिर आप देखिए पूरा वीडियो, वरना करेंगे आप अफसोस। पैन में आपको सनफ्लावर ऑयल लेना है और उसके बाद आपको जो भी वेजीज अवेलेबल है वो डालना है। यहाँ पर आप देखिए, आपने शिमला मिर्च डाला है, ब्रोकली डाला है और या जो भी अवेलेबल है दैट्स फाइन। यहाँ पे जुकीनी और कैप्सिकम का इस्तेमाल किया गया था और जैलपिनो भी डाला है, एल्पिनोज या जैलपिनो जो बोलना है बोल लीजिए। और सन ड्राइड टमेटोज डालने के बाद अब इसे हल्का सा भूनने वाले हैं। ए जैलपिनो मोजीतो ये सब क्यों रहता है, ये जे को ये लोग एकदम साइलेंट क्यों रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा इनोसेंट मी। एनीवे सिजलर सॉस पर फोकस करते हैं और यहाँ पर अब डाला गया है पानी सो दैट ये जो वेजीज है ये पानी में अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और अब सीजनिंग की बारी आ गई जिसमें जा रहा है नमक, वाइट पेपर, एरोमेट पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है एंड चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ये वही चिली फ्लेक्स हैं जो पिज़्ज़ा के साथ एक्स्ट्रा हमें मिल जाती है। आप चाहे तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, ओरिगैनो यू नो। ये वाला सॉस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पास्ता पिज़्ज़ा सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्चुअली ये टमाटो पेस्ट है और ये भी आप इस्तेमाल करें, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। यू ऑल्सो गेट दीज मैक्सिकन सॉसेस, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्का सा रेड चिली पेस्ट का इस्तेमाल इन्होंने किया है, अ डैश ऑफ वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर एंड अगेन चिली फ्लेक्स, हल्का सा सॉल्ट, फिर से गया एंड ओरिगैनो यू नो ये भी डाला गया है। अगेन यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर सिजलर सॉस बाय एडिंग एनी टेस्ट मेकर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आपके घर पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं तब भी। ऑलराइट, और ये अब इन्होंने धनिया डाल दिया, सिलेंट्रो 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 डालिए, धनिया डालिए, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। देखो हमें कट कॉपी पेस्ट जैसे ये बना रहे वैसे तो नहीं बनाना, पर हमें एक आइडिया आ गया कि टमाटो बेस वाली एक हम ग्रेवी बना देंगे और ये सिजलर सॉस की तरह इस्तेमाल करेंगे। अगेन इसमें हल्का सा अब सॉल्ट डाला गया है डैश के लिए। अब सिजलर की प्लेटिंग कैसी होगी ये हम आपको दिखाते हैं, ये बड़ा मज़ेदार वाला एक प्रोसीजर है तो इसे स्किप ना करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल का टेक केयर करें, लेट्स हियर द सिजल। यू नो बचपन में ऐसे है ना, फुलझड़ी ऐसी लाल लाल होती थी मैं पकड़ लेता था, आपका कभी हाथ जला है ऐसी फुलझड़ी से? हाँ, फिर मेरा हाथ सिजलर बन गया था। कैबेज के पत्ते लगाकर इन्होंने बेस पे रखा है, ओके। इनफैक्ट सिजलर ख़त्म होने के बाद ये जो कैबेज के पत्ते रहते हैं ना, जो जले हुए नीचे रहते, उसे खाने का मज़ा ही कुछ और होता है यार, बहुत सही लगता है मुझे। सो जब भी आप सिजलर बना रहे हैं, सिजलर प्लेट को आप कैबेज के पत्तों से ढक देंगे, उसके बाद यहाँ पर ये राइस गया है,
दिस इज़ द मैक्सिकन राइस एंड इट्स वेरी नाइस। और साइड में यहाँ पे आलू, उसके ऊपर था चीज़ और थोड़े बहुत फ्रेंच फ्राइज और वेजीज ऐसे आपने सौते करके डालने हैं। गाजर डाल दिया आपने, कैप्सिकम डाल दिया, बेल पेपर ले लीजिए, फ्रेंच फ्राइज ले लीजिए एंड ले लीजिए, को मैं रे लीजिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। और तो ये सारी वेजीज आपने ऐसे साइड में ऐसे डेकोरेट कर दिया और सेंटर में सॉस डाल दिया। और ये देखिए मशरूम आ गया, कुकुरमुठा, हल्का सा सीजनिंग डाल के आपको ये सारे सौते करने हैं एंड देयर यू गो, सिज़लर हमारा रेडी हो गया है। एक्चुअली यू स्टार्ट योर ओन सिज़लर आउटलेट बिकॉज सिज़लर में प्रॉफिट काफ़ी है, ये तो मुझे समझ आ गया। सो वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल के टेक केयर करिएगा। लेके जा बाबू, थोड़ा उधर एक मिनट रख देना। आइए तो रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का मसाला कैसे बनाते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पर अब अनियन भुना जा रहा है, साथ में हल्के से लहसुन है और मिर्ची डाली गई है। शॉर्ट एंड क्विक प्रोसीजर है, पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो डाला है भाई ने, ये कांदा और टमाटर रोस्टेड पहले से बना के रखते और अब लहसुन का पेस्ट और डाला है इन्होंने, फॉलोड बाय कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट। बताना चाहते हैं कि 2 मिनट के अंदर ये चिकन टिक्का मसाला रेडी होगा, तो कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी हम अपनाएंगे और ये है वो शॉर्टकट। दिस इज द येलो ग्रेवी जो कि हर डिश में यूज की जाती है, मार्केट में ये रेडीमेड भी मिल जाती है। एंड दिस इज द मखनी ग्रेवी। अब ये दोनों जो ग्रेवी हैं, इन दोनों ग्रेवीज की रेसिपी हमारे चैनल पर है, अगर आप रेसिपी लिंक चाहते हैं तो आप कमेंट कर लीजिए। ये है चिकन टिक्का मसाला एंड यहाँ पर इसमें अब डाला जा रहा है मसाले जो कि है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और चिकन मसाला डाला गया है। अब भाई ने डाला है इसमें बटर और दही और क्रीम, तीनों का मिश्रण हो गया है और चिकन टिक्का 4 पीस जा रहा है इसमें। आपका फेवरेट कौन सा है, चिकन टिक्का के बटर चिकन, कमेंट करके बताइएगा। हम पे ये किसने हरा धनिया डाला, बस ये हरा धनिया डालना है, इसे थोड़ा गर्म करना है और रेडी कर डाला।